जब जब हमारे जीवन में खुशियों पर ग्रहण लगता है तब तब हमारे परमात्मा कुछ अच्छा ग्रह संयोग दे करके हमारे जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं, और शायद इसी बात को सार्थक करते हुए हमारे परमात्मा ने कुछ ऐसा किया है कि केतु देव इस समय पर हो गए हैं डिग्री वाइज इनकी क्षमता कमज़ोर हो गई है, और इसका आप पर जो लाभदायक प्रभाव पड़ेगा इसी बात पर हम यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि आपका जन्म कर्क लग्न पर हुआ है तो इसे लग्न के आधार पर देखिए, सटीकता ज़्यादा बैठेगी, और यदि आपको आपका लग्न ज्ञात नहीं है उस कंडीशन पे आप इसे अपने कर्क राशि के अनुसार तो देख ही सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ठीक आज से 12 अप्रैल सन 2022 को का वो दिन था जिस दिन यही केतु देवता आपके चतुर्थ भाव पर इनका गोचर हुआ था। जैसे इनका चतुर्थ भाव पर गोचर हुआ था, इनका गोचर होता है लगभग 18 साढ़े 18 महीने का गोचर होता है। इस हिसाब से अभी ये कितने दिन बचे हैं, अगस्त सितंबर और अक्टूबर महीने तक अभी ये और रहेंगे आपके चतुर्थ भाव पर। ये भाव पर हमने इस वीडियो को दो भागों में बांटा है, पहला क्या आपको अब तक प्राप्त हुआ और दूसरा इन 3 महीनों में आपको क्या प्राप्त होगा। ध्यान से समझिएगा कि केतु जब चतुर्थ में आते हैं तो चतुर्थ भाव हमारी खुशियों का होता है, हमारे सुख समृद्धि का होता है। इस स्थान पर ये आकर के मानो सुख समृद्धि और खुशियों में एक ग्रहण लगने की स्थिति आप मान सकते हैं। यही वो स्थान होता है जो आपकी माता का होता है, आपकी भूमि का होता है। तो इसलिए यदि किसी प्रकार से प्रॉपर्टी संबंधी कोई समस्या चल रही है तो ये समझना है कि ये केतु देवता वहाँ पर आपको कृपा दे रहे थे। कृपा दे रहे थे कि मतलब ये समझिए कि प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों में हमें उलझा रहे थे, हमें वहाँ पर किसी कारण से पूर्ण हमारा वह कार्य नहीं हो पा रहा था। यदि आप घर भूमि भवन वाहन मकान भी यदि खरीदना चाह रहे थे तो यहाँ पर केतु देवता ने अब तक बाधा किया। अब मान लीजिए कोई अगर हमने खरीद भी लिया तो उसमें कोई ना कोई समस्याओं का सामना। अब इन्हीं केतु के पास 3 दृष्टियाँ होती हैं ज्योतिष के अनुसार। केतु के पास 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टियाँ प्राप्त है केतु को। इस हिसाब से ये जहाँ देखेंगे उस भाव को भी प्रभावित करेंगे। तो देख कहाँ रहे हैं, तो यहाँ से केतु 1, 2, 3, 4, 5 इनकी जो पंचम दृष्टि है वो आपके अष्टम भाव पर है। इसका मतलब ये भाव बाधा रुकावट डिप्रेशन तनाव ये सब कुछ हमें प्राप्त हुआ पिछले 15 साढ़े 15 महीने से। और यही नहीं, इनके पास एक दृष्टि और है जो आपके दसम भाव पर है। दसम भाव कहेगा, दसम भाव वो स्थान हो गया भाई जो आपके कर्मों का है, जो आपने अपने कर्मों को जिया है वो स्थान है आपका दसम भाव। दसम भाव मतलब ये समझिए कि हमने अपना मेहनत किया पूरा का पूरा लेकिन हमें प्राप्त हुआ कम, ये हमारे केतु देवता की कृपा थी ये मानिए। अब यही नहीं, यहाँ पर ऑलरेडी राहु देव पहले से विद्यमान है। आपको पता होगा इस बात का कि मेष राशि पर राहु चल रहे हैं जो कि कर्क लग्न से सीधे ये दसम भाव पर है। मतलब कुल मिलाकर के कार्यों में अवरोध की स्थिति, हमारे कार्य निष्ठापूर्वक तो हमने किया परंतु उस कार्य का सही हमको प्रतिफल प्राप्त न हो पाना, ये इनका प्रभाव अभी तक बना रहा। दसम भाव पर जब ये प्रभाव होता है तो जो लोग राजनीति इत्यादि से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी इसे बहुत सकारात्मक नहीं माना जाएगा। अब इनके पास सिर्फ यही नहीं, इनके पास एक दृष्टि और है, तो 7वीं, 8वीं, 9वीं केतु के 9वीं दृष्टि आपके कहाँ लग रही है, द्वादश भाव पर। खर्चों का मानो अंबार लग जाना, एक एक खर्चे गए नहीं दूसरे खर्चे हमारे सामने पड़े हैं। हमें लाभ तो हुआ, धन लाभ की स्थिति से अच्छा हुआ क्योंकि आपके धन सूर्य भगवान बनते हैं, उनका गोचर तो हमेशा अनुकूल स्थिति में ही बना हुआ होता है आपके लिए। और विशेष तौर पर अभी सूर्य देवता तो स्वयं अपने स्वराशि पर चल रहे हैं, मतलब उनकी कृपा तो अच्छी है। साथ ही साथ ये पिछले 15 महीने से खर्च और हानि की को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर बाधित स्थिति बना रहे थे हमारे केतु देवता। यही वो स्थान है जो हमारे हॉस्पिटल चिकित्सालय इत्यादि का खर्चा भी होता है। तो ये सब भी बहुत लोगों ने इसे देखा इसे समझा। यही हमारे निवेश का भी भाव होता है, पंचम स्थान हमारा निवेश का है और 12वां भाव जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वो उसका स्थान है। तो इसका भी हमें समुचित रूप से एक अच्छा लाभ न मिल पाना आप ऐसा मान सकते हैं। अभी क्या ऐसा होगा, अभी वो स्थिति कौन सी होगी जिसके कारण हमें लाभ होगा, तो ध्यान दीजिएगा हमारे ज्योतिष शास्त्र की एक मान्यता है, आपने हमारा जो राहु के विषय में जो बनाया था उसे आपने देखा होगा, उसमें भी हमने बताया है कि राहु वहाँ पर डिग्री वाइज उनकी कैपेबिलिटी कमजोर हो रही है। सेम यहाँ पर जो कि 0 से 6 डिग्री पर हमारे आ गए हैं केतु देवता। आज जब ये वीडियो बन रही है तब ये केतु 4 डिग्री पर आ गए हैं। इसका मतलब जब अगस्त सितंबर अक्टूबर महीने में, आज अगस्त महीने में 4 डिग्री में है तो वो कम होते जाएंगे, फिर सितंबर में और कम, फिर अक्टूबर में और कम, फिर इस
प्रकार होते होते ये अंत में जीरो डिग्री पर आ जाएंगे, और जब जीरो डिग्री पर आएंगे तब आपके चतुर्थ भाव को छोड़ करके वो एक घर पीछे चले जाएंगे, मतलब आपके तीसरे घर पर चले जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये जीरो से छः डिग्री पे हैं और इनके पास फल देने की क्षमता मात्र 25% है, क्योंकि जीरो से छः डिग्री पर कोई ग्रह है उसे बाल अवस्था कंसिडर किया जाता है। वो ग्रह कौन हो गए? बाल अवस्था हो गए, बच्चा बन गया वो ग्रह। तो अब ये 75% तक हमें पॉजिटिव रिजल्ट, और हाँ लेकिन 25% तक अभी भी हमारे नेगेटिव इफेक्ट केतु के पास रहेंगे, इस बात को भूलना नहीं है। लेकिन 75% का सकारात्मक प्रभाव ही बहुत होता है भाई। बाकी ग्रह गोचर तो आपके अनुकूल हैं, बाकी जन्म पत्रिका में भी ग्रह गोचर अनुकूल हैं, तो अभी जो बताने जा रहे हैं वहाँ पर आपको लाभ मिलना, उस क्षेत्र में आपको एक जागृति आना स्वाभाविक आप मान सकते हैं। सबसे पहले चतुर्थ भाव आपका जागृत होगा इन 3 महीनों में। प्रॉपर्टी संबंधी कोई भी विवाद यदि है तो ये मानिए कि परमात्मा ने हमारे लिए ही इन केतु को निर्बल बना दिया है, और प्रॉपर्टी संबंधी विवाद को पूर्ण करने के लिए एक आपके पास एक टूल मिल गया है, अर्थात वहाँ से आपको लाभ मिल सकता है। आप यदि भूमि भवन वाहन मकान इत्यादि खरीदना चाहते हैं या उससे संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं तो ये भी अनुकूल होगा। चतुर्थ भाव हमारी माता का होता है, तो माता के स्वास्थ्य में यदि किसी कारण से परेशानी चल रही है तो यहाँ भी आपको सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। यही नहीं, ये अष्टम भाव देख रहे हैं तो अष्टम भाव को देखने के कारण हमारे जीवन में बाधा रुकावट और डिप्रेशन तनाव जो बनी हुई है वहां पर भी ये पॉजिटिव इफेक्ट डालेंगे। किसी कारण से भी बाधा बनी हुई है, देखिए बाधा डिप्रेशन तनाव ये सब अष्टम भाव के देने वाले क्षेत्र माने गए हैं, और केतु उसमें और बढ़ावा करेंगे। मतलब हमने कार्य किया, रुकावट आ गया, हमने अपना सारा मेहनत किया, कोई ना कोई अनावश्यक सा रुकावट आ गया, तो हमें स्वयं समझ नहीं आता है कि भैया ये रुकावट आया कैसे। तो आपको ये समझना है इस टाइम पर जब ये इनकी कैपेबिलिटी कमज़ोर हो गई है तो बाधा रुकावट लगभग 75% तक कम हो सकते हैं। अब यही नहीं, ये आपके दशम भाव को भी देख रहे हैं, मतलब दशम भाव के भी पॉजिटिव इफेक्ट इस समय पर आपको देखने को मिल सकते हैं अगस्त सितंबर और अक्टूबर महीने में। दशम भाव आपका कर्म क्षेत्र होता है, हम आपका कैरियर हो गया। इस भाव पर इनका बल कमज़ोर होना, ऑलरेडी पहले से यहाँ पर राहुदेव बैठे हैं तो इसलिए ये कर्म क्षेत्र आपके लिए अनुकूल है। जो आप कार्य करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं या फिर किसी अन्य कार्य पर हैं, ये मानिए कि आपके कार्य में एक ग्रोथ का एक समावेश आपके परमात्मा ने ला करके इस समय पर खड़ा कर दिया है। ऑलरेडी भूलना नहीं है, इस स्थान पर देव गुरु बृहस्पति का गोचर हो गया है 24 अप्रैल 2023 से, और गुरु आपके भाग्य के मालिक हैं, आपके भाग्य से हैं, तो इसलिए भाग्य की प्रबलता भी और भाग्य का साथ भी इस समय पर कर्म स्थान पर मिलने के लिए संभावित है। तो इसलिए अपने कार्य को देखिए कहाँ मुझ में कमी है, कहाँ मेरे कार्य में कमी है, और भिड़ जाइए अपने कार्य को करने के लिए। निश्चय मानिए कि यहाँ पर केतु और राहु दोनों अभी निर्मल स्थिति में हैं। अब यही नहीं, इनके पास एक दृष्टि है जो आपके 12वें घर पर देख पर पड़ रही है, इसका मतलब खर्चों का जो अंबार है वो भी कम होने की संभावना। जो हानियाँ हमने कर लिया पहले या हो गया, वो हानि में भी एक प्रकार से ब्रेक लगने का संभावना, और उल्टा बल्कि उस हानियों के द्वारा, क्योंकि कर्म स्थान पर भी दृष्टि है, अपने कर्मों से हम अपने हानियों को भी मेकअप कर पाएंगे, आपको ये जानना चाहिए। निवेश इत्यादि के लिए भी ये 3 महीना अनुकूल होगा, शेयर में या फिर अन्य माध्यम से जहीं जहां भी आप यदि इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये समय भी आपको अनुकूल ही जानना चाहिए। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो अभी अगस्त सितंबर अक्टूबर महीना एक प्रकार से राहु और केतु जो सबसे बड़े बाधा कारक माने जाते हैं ज्योतिष में, तो वो अभी अभी बच्चे बने हुए हैं, बाल अवस्था में हैं, इसलिए जल्दी से वो सब काम कर लीजिए जहाँ जहाँ आपको सकारात्मकता अभी बताई गई है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा होगा, आप सबने इसे जाना होगा। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा है तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। आपके एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन प्रदान करते हैं। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम।